सो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। डिप्लोमा बीई और बीटेक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सीटीसी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 LPA का। ये सीटीसी जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ 5 LPA से बढ़ता चला जाएगा, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जिंदल स्टील एंड पावर के एचआर की तरफ से ये वैकेंसी लिंक्डइन पर पोस्ट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, यानी कि ये कंपनी स्टील के साथ साथ पावर डिपार्टमेंट में भी वर्क करती है। इसमें वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा बीई और बीटेक के कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल से किया है अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल से अगर आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और केमिकल से तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने किसी भी स्टील या पावर कंपनी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए ये आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सीटीसी का। तो इसमें जो सीटीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 5 LPA का सीटीसी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इस कंपनी में एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा सीटीसी आपका बढ़ता चला जाएगा और कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे तो वहाँ से आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि आपका क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है, क्या रोल्स कंपनी में होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ईयर के पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आप अप्लाई इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए अप्लाई करने का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको इस पेज पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से, ठीक है। जिसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है वो अंगुल आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। इसके पहले इसमें जूनियर इंजीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग की भी वैकेंसीज निकाली गई है। उसके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, इसके बाद अपना ईमेल ID, किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप ब्लास्ट फर्नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी डिपार्टमेंट आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिड्यूस आयरन, ठीक है। इसके बाद CGP यानी कि कोल गैस्टिफिकेशन प्लांट, कोक ओवन और पेलेट प्लांट, ठीक है। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा बीटेक जो भी है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज योर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप 2 फिल करेंगे और जो आपका करंट कंपनी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद करंट कंपनी का लोकेशन क्या है और करंट कंपनी में आपका डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर आप वर्क कर रहे हैं और अपने कंपनी में आपका जो भी वर्क है जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि इफ़ सिलेक्टेड आर यू रेडी टू रिलोकेट टू अंगुल उड़ीसा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं अंगुल में जॉब करने के लिए रेडी हैं तो एस या फिर नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि जिंदल स्टील एंड पावर में आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है तो यस या नो करेंगे। फिर मेंशन डेट डाल देना अगर आपने दिया है और इसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप इसमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी कंपनी में 2 ईयर वर्क किए हैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है और साथ ही डिप्लोमा टू करियर जॉब कम्युनिटी अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं टॉप MNC कंपनी की वो उन चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पर फेक बातें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें जेन्युइन होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें और कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार से टेक्निकल फील्ड से जो अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।